अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सोपिया कुकिंग शो में त सब खैरियत हुंदा। अज मज़ेदार रेसिपीज खणी आयो। पहिरीं तव्हांखे ॿुधाइण जो हलां कि एनएक्स तमामु बहितरीन प्रोडक्ट आहे। एनएक्स वठो जंहिंखां तमामु ज़िंदगी आसान थी वञे। चॉपर, जूसर, ब्लेंडर आहे, हैंड बीटर आहे, इहे सभु शयूं तव्हां वटि मौजूदु हुजनि त तव्हांजी कुकिंग ॾाढी जल्दी थी वेंदी आहे। जीअं तव्हांजे साम्हूं मां किचन में हर शइ ठाहींदो वेंदो आहे, मशीनूं इस्तेमालु कंदो वेंदो आहे, त हिन खां जल्दी कुकिंग थींदी आहे। अॼु मज़ेदार रेसिपी ठाहे पिया वाङण ऐं पटाटनि जी भाॼी। इहा तमामु सुठी रेसिपी आहे, तमामु मज़ेदार रेसिपी आहे। तव्हां चवंदो हिन दफ़ो वेजिटेबल्स ऐं पटाटा वधीक हिन वीक में हलनि पिया, त ही रेसिपीज़ मज़े थी वञनि। छाकाणि त ॿ खां टे वीक बल्कि चार वीक ताईं असां बीफ ऐं मटन जी रेसिपीज़ ठाहींदा आयासीं, त हाणे वेजिटेबल ते अची था वञूं। माण्हू खाई खाई बोर बि थी वेंदो आहे, त हुन सां गॾु ठाहींदासीं मज़ेदार भिंडियूं, कुरकुरी भिंडी। यानी भिंडियूं हिकु त असां सयल ठाहींदा आहियूं, हिकु तरियल ठाहींदा आहियूं। हिन जे मथां कोटिंग हूंदी मसाले जी, हिनखे फ्राई करे कढंदासीं। हे दाल चांवर सां गॾु, अछे चांवरनि सां गॾु ॾाढी मज़ेदार लॻे थी। ॿई रेसिपीज़ तमामु ईज़ी आहिनि। सुभाणे सुबुह जो 9 बजे रिपीट हलंदियूं। ऐं कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे फेसबुक ते, हुते ही रेसिपीज़ अपलोड थींदी आहे। का बि रेसिपी जे बारे में पुछणो हुजे त मुंहिंजो नंबर आहे 03142675311, 03142675311। इहो मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे। मुंहिंजे फेसबुक जे पेज ते बि आहे, कुकिंग विद शेफ फैसल ते। का बि मैसेज करणो हुजे, का बि रेसिपी जे बारे में पुछणो हुजे, तव्हां हिन नंबर ते मैसेज करे पुछी सघो था। ऐं तमामु सुठी रेसिपी से स्टार्ट कंदासीं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब बहुत अच्छी रेसिपीज इंजॉय करें होंगे, सबकी तबीयत भी ठीक होगी और कोविड से भी अपने को बचा के रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। और आज की जो हम मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वेजिटेबल बना रहे हैं, कुरकुरी भिंडी। ये भिंडी ऐसी होती है, क्रिस्पी बनती है, मसाले की कोटिंग होती है, और इसको आप दाल चावल के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। ख़ासकर दाल चावल अगर बने हो, अचार हो, ये कुरकुरी भिंडियाँ बनी हुई हों तो ज़बरदस्त लगती हैं। तो साथ ही हम बनाएंगे बैंगन और आलू की सब्ज़ी। ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार, सुबह 9 बजे रिपीट चलेंगी। और कोई भी फरमाइश करनी हो, मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल, वहाँ पर रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं। इनबॉक्स में मैसेजेस किया करें, कमेंट्स में जाके नहीं किया करें। कोई भी बात पूछनी होती है इनबॉक्स में पूछा करें, या फिर इस सहूलत के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03142675311, 03142675311, इस पर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और यही नंबर मेरा कुकिंग विद शेफ फैसल के पेज पर भी अपलोड हुआ हुआ है, मीन्स के लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बात आपको करनी है आप कर सकते हैं। और किचन की तरफ चलते हैं, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। एनएक्स हमारे साथ है। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन बेस्ट ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो आप अपने घर में रखें ये इंस्ट्रूमेंट्स लिया करें, इससे क्या होता है कि आप लोग की कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। सभिनीनि खां पहिरीं असां चाहींदासीं जेका रेसिपी ठाहियूं पिया आलू ऐं वाङण जी भाॼी, इहे पहिरीं स्टार्ट कयूं था, पोइ भिंडी जी रेसिपी स्टार्ट कंदासीं, ठीकु आहे। पतीलो खणंदासीं ऐं हिन में विझंदासीं कुकिंग ऑइल, पतीला लेंगे। अच्छा आलू भिंड आलू और अच्छा आलू और बैंगन के लिए हमने यहाँ पे ऑयल लिया 6 to 8 tablespoon, ठीक है। 6 to 8 tablespoon आलू और बैंगन के लिए जो सब्ज़ी बन रही है। बैंगन को आपने क्यूब्स में काटना है, ठीक है, और आलू भी आपने एक ही तरह के काटने हैं। 3 अदद आलू थे इसके, 6-6 पीस कर दें या 8-8 पीस कर दें, वो आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। 4 अदद बैंगन ले लें, सेम क्वांटिटी में, आधा किलो आलू हैं तो आधा किलो बैंगन, पाव आलू हैं तो पाव बैंगन, 3 पाव हैं तो 3 पाव, इस तरह ये 1.5-1.5 पाव के करीब हैं दोनों का वज़न है, ठीक है। इस तरह पानी में डिप करने से क्या होता है, बैंगन काला नहीं होता। थोड़ा सा नमक डाल दें, 1/2 teaspoon पानी डाल के आपने डिप कर दें, फिर इसको रखें तो ये काले नहीं पड़ते, ठीक है। इसी तरह आलू को भी डिप करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपने प्याज ब्राउन करना है, एक मीडियम साइज़ का। यहाँ पे मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं गाढ़ो बसर इस्तेमाल कयां पियो। तव्हां छा कंदो कि बसर गाढ़ो कंदो, हिक बसर गाढ़ो कंदो, हुन खां पोइ हिनमें विझंदो अदरक थूम जो पेस्ट। लेकिन हिते गाढ़ो बसर इस्तेमालु कयां पियो त पोइ समुझो असां गाढ़ो बसर करे छॾियो आहे, अदरक थूम जो पेस्ट हलियो वेंदो हिक खण जो चमचो, ठीक है। लाल प्याज या इस्तेमालु कर रहा हूँ, ब्राउन किया हुआ तली हुई प्याज, तो इसलिए मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आपने क्या करना है, एक बड़ा प्याज लेना, मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा, और प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 खाने का चम्मच। लेकिन यहाँ पे अगेन बता दूँ कि मैंने ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें 1 अदद हरा मिर्च डाल देना है। 1 अदद हरे मिर्च से क्या होगा, भगार में जायका आएगा, ठीक है। 1 अदद हरा मिर्च डाल दिया, 1 अदद हरा मिर्च डालने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर हम कितने डालेंगे, 2 बड़े साइज़ के, मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए, बड़े हैं थोड़े, ठीक है। 2 वॾा टमाटा गाढ़ा कटिंग करे विझंदो, अदरक थूम जो पहिरीं बसर गाढ़ो कयो, हिकु
बसर गाढ़ो कर अदरक थूम पेस्ट विधो एक खंड जो चमचो एक अद साओ मिर्च कटिंग कर विधो गड पो खुशबू निकती तब तहां इनमें टमाटा विधा टमाटा विझण का पो टमाटन के कवर कंदासी 2 मिनट ला टमाटा नरम थी विधा ठीक आ हाफ कप यानी 6-8 टेबल स्पून आपने ऑयल गरम किया उसमें आपने डाल दिया एक अदद प्याज गोल्डन फ्राई किया प्याज को अदरक लहसुन का पेस्ट डाला एक खाने का चम्मच हरी मिर्च डाली एक अदद अगर ब्राउन प्याज पड़ी हुई है तो फिर आपने क्या करना है ऑयल गरम करना अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालनी है भगार करके आपने टमाटर डाल दिया ब्राउन प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे ठीक है बस ये फ़र्क होता है गाढ़ो बसर अगर आए तो बाद में इस्तेमाल करना सी ना आए तो पेरिंग कर जाओ जैसे यहाँ पे प्याज हमारा आप देखेंगे और सॉरी टमाटर हमारे नरम होने लगेंगे हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे आलू आलू यहाँ पे कटिंग किए हुए क्यूब्स में जैसे हम सालन में डालते हैं इस तरह आलू कटिंग किए हुए पानी में डिप किए हुए टमाटर को 2 मिनट भूनेंगे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं टमाटर थोड़ा नरम हो जाए फिर वो आलू के साथ भी गलता रहेगा ठीक है टमाटर यहाँ पे नरम होना शुरू हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे आलू क्यूब्स में कटिंग किए बहुत छोटे क्यूब्स नहीं हैं थोड़े बड़े हैं बैंगन भी उसी तरह कटिंग किए हुए 1.5 पाव जितना आलू था ठीक है 3 आलू थे मीडियम साइज़ के उसके 4-4, 6-6 पीस हमने कर दिए अब आलू डालेंगे इसमें मिक्स करेंगे ताकि आलू टमाटर के साथ फ्राई होता रहे अच्छी तरह 2 मिनट तक आलू को फ्राई करेंगे टमाटर के साथ ठीक है पटाटा इनमें विझी छड़िया पटाटा तकरीबन 1.5 ट्रे वाला दरमियाने साइज़ का पटाटा हुआ 4-4 पीस 6-6 पीस करें पटाटा विधा टमाटर नरम थे लगाएँ पटाटा इन सगत भुंजंदा रहो हाँ असा इनमें मसाला छाइड कंदासी मसाला बिल्कुल वही जो घर में असा इस्तेमाल कंदा इनका जायको ढो सुठो इन थोड़ा तरीक़ेकार डिफरेंट हों बाकी सेम तरीको हों पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो हेड 1 चाय जो चमचो लूण 1/2 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो पीठल दाणा 1 चाय जो चमचो जीरो साबित 1 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो मेथी दाणा उर्बे जहा बिज 1/2 चाय जो चमचो कलौजी बसरी जहा बिज जो हूँ वो 1 चाय जो चमचो इनका जायको ढो सुनो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च मो वट मौजूद है हूँ तो मैं विझो ना ही तो न विझो भले इनके बगैर भी ठीक इनका भाजी जो कलर सुठो इन कसूरी मेथी खुश्क मेथी 1/2 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च हेड 1 चाय जो चमचो लूण 1/2 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो पीठल दाणा 1 चाय जो चमचो अछो जीरो साबित 1 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो मेथी दाणा हुरबे जहा बिज 1/2 चाय जो चमचो कलौजी बसरी जहा बिज 1 चाय जो चमचो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो खुश्क मेथी 1 चाय जो चमचो ठीक है अब नोट करते जाएँ पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच नमक 1/2 चाय का चम्मच नमक आप बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते इसलिए 1/2 टीस्पून डालें अगर ज़रूरत पड़े तो बढ़ा सकते हैं पिसी लाल मिर्च हल्दी 1-1 चाय का चम्मच नमक 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच जीरा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच कलौजी 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च देगी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर ये ऑप्शनल है नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा इससे कलर अच्छा आता है मेरे पास मौजूद होती है तो मैं यूज़ करता हूँ और लेके रखें अच्छी इससे लुक आती है सब्ज़ी की जो भी रेसिपी बनाते हैं घर में होना चाहिए कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून फिर बता रहा हूँ और फिर मसाला ऐड करेंगे जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच नमक 1/2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच जीरा 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच कलौजी 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और कसूरी मेथी इसमें चली गई 1/2 चाय का चम्मच ठीक है आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं टमाटर के साथ अब हमने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ मज़ेदार ये बैंगन आलू की सब्ज़ी शौक से खाएंगे जब आप लोग बनाएंगे अब इसको भूनेंगे मसाले को ताकि इसका कलर निकल जाए ठीक है तमाम बेहतरीन जो कलर अच्छे पे हो पटाटन का गज जो मसालो भुनू पाया हाँ में विझासी दही अब हम यहाँ पे डालेंगे 4 खाने के चम्मच दही आप सोचते होंगे अक्सर मैं खानों में दही का इस्तेमाल करता हूँ तो इससे क्या होता है दही बहुत अच्छी चीज़ है खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए एसिडिटी भी नहीं होती ज़्यादा मसालों से और फ्लेवर बहुत निकल के आता है खाने का तो दही हम इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है बहुत ही सस्ती होती है 2-4 खाने के चम्मच अगर दही चली भी जाए तो कोई मसला नहीं दही की जो कटोरी होती है उसको संभाल के रखा करें जब हमने सब्जी में पानी इस्तेमाल करना होता है तो दही वाली प्याली में ही पानी डाल के डाला करें ये इससे क्या होता है फ्लेवर आता है दही विझंदी 4 खंड जहा चमचा या 3 खंड जहा चमचा दही की जो कटोरी होंगी वटी होंगी प्याली उनके रखा कर पानी जैसे अस भाजी में इस्तेमाल करना है तो उन्हीं में मिक्स कर ताकि जया ना थे दही जो उसका लगल आने हाँ इनके 2 मिनट भुंजंदी 2-3 मिनट इसको भुनेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज
अब हम ब्राउन प्याज डालें, लेकिन अगर आपने ब्राउन प्याज पहले ही कर दिया मसालों के साथ तो वो है, मेरे पास ब्राउन प्याज पड़ा था तो मैं बाद में डाल रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप अलग से बना के निकालें, उसी में भून के ब्राउन कर लें, ठीक है। बसर गाढ़ो मोट पयल आए तो मां विझां पियो, न तो तव्हां पंहिंजो बसर गाढ़ो करे पोइ हुनखे प्रोसेस खे ठाहिजो। ज़रूरी न आहे कि तव्हां अलॻि करे ठाहियो वरी कढो वरी हुनखे हू कयो, ही आसानी हूंदी आहे। गाढ़ो बसर अगरि तव्हां वटि पियो हुजे, ठाहे रखी छॾियो किलो ॿ किलो, त पोइ तव्हांखे भाॼी ठाहिण में जल्दी आसानी थी वञे, हुन में टाइम नथो लॻे कि बसर खे गाढ़ो कयो कटियो। हिकु दफ़ा कंदो पूरो महीनो हलंदो आहे बसर, ॿ किलो बि करे रखो था, ठीक है। प्याज को डाल के इसमें भूनेंगे, अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसकी, ताकि मसाला देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, मसाला निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देंगे पानी का छींटा, ताकि प्याज डलाए तो गाढ़ापन आ रहा है और मसाला जले ना। थोड़ा सा इसमें डाल के दो खाने के चम्मच पानी का छींटा दिया, इसको दो तीन मिनट भूनेंगे मसाले के साथ ताकि प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद एक कप पानी डाल के आलू गलाने के लिए रखेंगे, ठीक है। ऑयल ऊपर आ रहा है, अब एक कप पानी डाल के इसको कवर करूँगा 15 मिनट के लिए, 12 से 15 मिनट के लिए आलू गलेगा। जब आलू 70% गल जाएगा फिर हम इसमें बैंगन डालेंगे, ठीक है। वांगण जेके आहिनि हाली न पियो विझां, जॾहिं पटाटा 70-80% गरी वेंदा चेक कंदासीं, थोरा थोरा कचा हुजनि, बाक़ी गरियल हुजनि, सख़्तु हुजनि या गरियल जेके सख़्तु हूंदा आहिनि उहे, पोइ असां हिन में वांगण विझंदा। अगरि वांगण हाणे विधो त वांगण सफ़ा हलवो थी वेंदो हुनजे अंदरि, ठीकु आहे। अब इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक आहे। हिकु शॉर्ट ब्रेक वठूं था, काॾे ॾांहुं जो ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर रेसिपी कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको रेसिपी ठहे पई, पटाटा हिते तयार पिया थियनि, 10-15 मिंट असां छॾंदासीं, 10-15 मिनट छोड़ देंगे हल्की आंच पे। प्याज आलू आपके गल रहे हैं, इसके बाद हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। तब तक हम स्टार्ट करते हैं कुरकुरी भिंडी के लिए, क्या क्या हमें चाहिए। कुरकुरी भिंडी के लिए एक पाव भिंडी ली, उसको आपने बीच से दो कर देना है, इसकी दो मटा देनी है, यहाँ से कैप हटा देनी है, इसके बाद कटिंग करके आपने इस तरह खोल देना है। लेकिन पहले वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद खुश करके फिर ये प्रोसेस करना है, कभी भी काटने के बाद नहीं धोते, ठीक है। भिंडी को भिंडी पहिरीं धोई दो, कॾहिं बि कटण खां पोइ न धोई बि आहे, पहिरीं धोई चङी तरह खुश करे पोइ ॿई पासनि जा कट हटाए ऐं इनखे ॿ पीस करे छॾिजो, ठीकु आहे। हिन तरीक़े सां ॿ पीस करे हिकु वॾे प्याले में विझंदासीं। अब इसको हम डाल देंगे एक बॉल में, एक पाव भिंडी का बना रहो, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक आहे। हिकु पाव भिंडी आहे, तव्हां अधु किलो कयो जेतिरी तव्हांखे वणे, हिकु पाव जे हिसाब सां मां मसाला ॿुधायां पियो, वधाईंदो त पोइ हुन हिसाब सां मसाला वधंदा। भिंडी काट के डाल दी, हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भर के एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, ज़ीरा एक चाय का चम्मच, हल्दी एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च एक एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भर के एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, ठीक है। नोट करे वठो, हैड एक चाय जो चमचो, लूण अधु चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल धाणा एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, ज़ीरो एक चाय जो चमचो। वरी एक दफ़ा नोट कराए पोइ मिक्स कयूं था, हैड कुटियल गाढ़ा मिर्च, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, लूण अधु चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, पीठल धाणा एक चाय जो चमचो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, ज़ीरो एक चाय जो चमचो। अब ये सब मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। भिंडी में मसाले डाल के आपने इस तरह मिक्स करना है भिंडी के ऊपर, ताकि मसालों की लेयर चढ़ जाए, और इसको हम 10 मिनट छोड़ेंगे ताकि भिंडी नरम होगी मसालों से, थोड़ा पानी इसमें आएगा, नमी आएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बेसन मिलाएंगे 3-4 खाने के चम्मच। भिंडी में मसालो मिक्स कंदासीं, हथ सां भी करे सघो था, लेकिन हिन सां छा थींदो, कोटिंग सुठी थींदी। या दॿो ढक वारो आहे त हुनखे बंदि करे हिलाए बि सघो था, ठीक है। अगरि कवर वाला डब्बा है इसमें डाल के आप हिलाएं अच्छी तरह, भिंडी पे हमने कोटिंग करनी, हाथ से करेंगे तो कोटिंग मसाला आपके हाथ पे चिपकेगा, भिंडी पे कम चिपकेगा, तो इसलिए इस तरीके से आपने भिंडियों पे मसाला कोट करना है। ये हो गया तो थोड़ी नरम होगी भिंडी, यानी मसाला चिपकना शुरू होगा, फिर हम बेसन डालेंगे तो फौरन चिपकना शुरू हो जाएगा। फिर बेसन मिला के इसको इसी तरह हिलाना है अच्छी तरह डब्बे में बंद करके, या इस तरह फिर इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। कुरकुरी भिंडी ऊपर से लेमन जूस डालें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है, ठीक है। आलू चेक करते हैं, पटाटा चेक कयूं था, पटाटा फुल न खपनि गरियल, ठीक आहे, एतिरो हुजे
के सख्त भी हो जाए एंड गरीब भी बने। ये देखें इसमें, ये देखें कट गया फौरन, सख्त भी है और गलावा भी है, बस इस तरह होना चाहिए, ठीक है। सख्त भी है एंड गरियल भी है। ऑयल मथी अच्छी हो, जो असा एक कप पानी भी दो वो खुश्क थी दो। अब इस स्टेज पे जब देखेंगे ऑयल ऊपर आ गया, आपने क्या करना है, बैंगन उसी क्वांटिटी के हमने लेने हैं जितने हमने आलू लिए। बैंगन क्यूब्स में कटिंग किए हैं, ये देखें इतने इतने क्यूब्स होने चाहिए इस तरह के। वांगण के हिन तरीके से क्यूब्स में कटंदासी जियाँ असांजा पटाटा कटेल, ये सारे बैंगन इसमें डाल देंगे, ठीक है। पानी में डिप करने का मकसद था थोड़ा नमक डाल के, इससे क्या होता है कि बैंगन काला नहीं पड़ता, वरना फौरन डार्क कलर हो जाता है उसका, ठीक है। तो डिप करके रख दें, फिर आप अपने काम करते रहें, नो टेंशन। इसको करेंगे मिक्स, पानी नहीं डालेंगे, बैंगन खुद ही गल जाएगा इसके मसाले के पानी के साथ ही, ठीक है। शोरबा सा है गाढ़ा गाढ़ा, इसी में बैंगन गल जाएगा। अब बैंगन डाला, चूल्हा 2 मिनट तेज़ करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करें बैंगन को, 2 मिनट चूल्हा तेज़ करेंगे ताकि हीट बने बैंगन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के बाद, 2 मिनट का पॉइंट के कवर कंदासी, कवर करें हिनके असां रखंदासी 15-20 मिंट। भाजी जॾहिं नरम थी वेंदी पोइ थोरो भुञंदासीं, सावा मिर्च सावा धाणा लीमे जो रस विझी हिनखे डिश आउट करे छॾंदासीं, ठीक है। और थोरी सी हरी प्याज साई बसर थोरी विझंदासीं, हुनखे फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो, अगरि नथा विझणु चाहियो त न विझो। अब 2 मिनट हमने इसको कवर नहीं करना है, तेज़ आंच की हुई है ताकि बैंगन का पानी जो निकलेगा वो थोड़ा ड्राई हो जाए, बैंगन थोड़ा गर्म हो जाए यानी पकना शुरू हो जाए, वरना फौरन कच्चे बैंगन पे आप कवर लगाएंगे तो वो भी पानी छोड़ता है, सब्ज़ी पानी छोड़ती है हीट में, ठीक है, ऑयल में जाके। अभी 2 मिनट होने वाले, अब हम इसको कर देंगे कवर, और कवर करने के बाद इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे दूसरी साइड पे, और इसको छोड़ देंगे हम कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हमने इसको छोड़ देना है हल्की आँच पर, बिल्कुल दम पे नहीं रखिएगा, थोड़ी हल्की जैसे आँच होती है इस तरह बैंगन गल जाए। जब बैंगन गल जाएगा फिर आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे, ठीक है। जडे वांगण गरी वेंदा पोइ अॻियां जो प्रोसेस कंदासीं, पाणी न विझणो, वांगण उहेई गरी वेंदा इन स्टीम ते। भिंडी को फिर एक दफ़ा हिलाएं, अब देखें भिंडी खुद ब खुद आपको लग रहा होगा नरम सी हो गई है, क्योंकि जब इसमें मसाला जाता है सब्ज़ी में तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक नरम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेसन। बेसन मेरे पास कितना है, गुठली नहीं होनी चाहिए, बेसन में गुठली आ रही तो उसको हटा दें, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। 4 खाने के चम्मच बेसन डाल देंगे, 4 खाने का चम्मच आप बेसन विदो। बेसन डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हिलाना है इस तरह ताकि मसाला बेसन सब कोट हो जाए। एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि बेसन की कोटिंग आपको लग रही है कि ड्राई ड्राई है, यूँ हाथ में पानी लिया 1 टेबल स्पून जितना, 1 खाने का चम्मच पानी खाए हाथ में, ऐसे छड़क दिया पानी 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, छींटा दिया, फिर आपने इसको मिक्स करना अगर आपको लगता है कि नमी नहीं आ रही, ठीक है। ये ज़बरदस्त हमारी कोटिंग हो गई मसाले के साथ, भिंडियों पे कोटिंग हो गई। अब इसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, अब इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे 5 मिनट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे बेसन नरम हो जाएगा, बेसन की वो क्रिस्पीपन कुरकुरापन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ कंदासीं कढ़ाई खणंदासीं जंहिंमें असांखे करिणो आहे फ्राई। इसको भी ड्राई करते हैं, बैंगन हमारे तैयार हो रहे हैं, जब तक हम भिंडी फ्राई करेंगे हमारे बैंगन तैयार हो जाएंगे। आसान रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, इनके ज़रूर ट्राई करो। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल, या 1 कप डाल दें। अच्छा, जो ऑयल भिंडियाँ फ्राई करने के बाद हम ऑयल रखते हैं जो बच जाता है, उसको ठंडा करें, क्लियर करें, उसको सालन में यूज़ करें, ठीक है, वो ज़ाया ना करें, आलू तलने में किसी भी फ्राई चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल लिया है, भिंडियों को हमने डायरेक्ट इस तरह नहीं पलट के डालना है, जो बेसन मसाला झड़ गया रह गया वो आपने छोड़ देना है, भिंडियाँ आपने या इससे उठा लें यूँ करके, ठीक है, या स्पून से उठा लें, लेकिन पूरी नहीं अंडेलनी, वरना क्या होगा ऑयल में जो एक्स्ट्रा बेसन निकला है मसाला है वो इसमें आके सारा काला हो जाएगा, जल जाएगा। इस चीज़ को ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग करें, ठीक है। ये जो नंढा नंढा पॉइंट्स तक बुधाइंदा है, इन करें बुधाइंदा ताकि तुम्हारी परफेक्ट कुकिंग हो जाए, सुठी कुकिंग ठहे। अगर तुम इनमें डायरेक्ट विझ तो बेसण फौरन सड़ी कारो थी वो इनके अंदर, तो भिंडी जिला एकड़ो पीस विझी दिसूँ, तो 1 पीस डाल के देखते हैं ऑयल कितना, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, ऑयल अच्छा गर्म हो, क्योंकि भिंडी को हमने तेज़ आँच से थोड़ी, बहुत तेज़ ना, बहुत हल्की ना, बहुत मीडियम ना, नॉर्मल आँच हो, अच्छी
लो टू मीडियम जैसे होती है, उस पर आपने भिंडी को फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, बैंगन को एक दफ़ा फिर हिला दें बीच में, एक दफ़ा हिलाएंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगा, पहले थोड़ी मीडियम फ्लेम थी, अब ये गलना शुरू हो गए, अब मैं इसको दम पे लगा दूंगा। 5 मिनट में थोड़ी मीडियम फ्लेम रखी हुई, ढक दई हाँ मैं इनके हल्की बाय थे छड़ी सफ़ा दम पर रखी छड़ी हुआ 15 मिनट का पूरी सन्ना से। अब ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह उठाना है, भिंडियों को इस तरह डालते जाएँ, ठीक है। डायरेक्ट नहीं डालना है प्याला अंडेल के, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा है वो सब रह जाए प्याले में फालतू। अगर पैन छोटा है 2 हिस्सों में फ्राई करें, बड़ा फ्राइंग पैन है तो 1 हिस्से में ही फ्राई करना है बस। अब इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। अगर हमने इसमें ज़्यादा स्पून चलाया तो क्या होगा कि कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। इसको पकने दें, थोड़ा सा सेट करें, पकने दें। पचन दियो, वधिक कोटिंग है छेड़न दो ना, छेड़न दो तो छा थींदो कि हिंजी कोटिंग ख़राब थी वेंदी। हे पचन दियो लेकिन हिंजी कोटिंग ख़राब थी वेंदी, भिंडियूं तव्हांजूं मसालो छॾणु शुरू थी वेंदियूं। हाणे मसालो चिंबड़ी पए जे मथां इनके पचन दियो, जॾहिं पचन दियो त पोइ कढंदा वेंदासीं। बहुत ईज़ी है कुरकुरी भिंडी, आराम से बनाएं, मज़ेदार रेसिपी। कल हम बनाएंगे स्पैगेटी। स्पैगेटी की फरमाइश थी, स्पैगेटी मैं 2 वेज में बनाना सिखा रहा हूँ। एक हम बनाएंगे कीमे के साथ, एक हम बनाएंगे वेजिटेबल स्पैगेटी। बच्चे भी खा सकें, वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं, ठीक है। एक ठाईंदासीं कीमे सां गॾु स्पैगेटी, एक ठाईंदासीं वेजिटेबल स्पैगेटी। सुभाणे ठाईंदासीं ॿई रेसिपीज़, त उहो ज़रूरु ट्राई कजो ऐं फरमाइश भी। अब देखें इस पर, आप देखेंगे कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है और मसाला अच्छा से इस पर चढ़ रहा है। अब चूल्हा बहुत तेज़ नहीं हो, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं मीडियम फ्लेम पे, उस तरह आपने इसको पकाना है। ये ना हो कि भिंडी कच्ची हो ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, इस चीज़ को आपने नोट करना है, ठीक है। बैंगन हमारे हो रहे हैं, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए, इसको बीच बीच में एक दफ़ा चला दिया करें ताकि अच्छा सा मिक्स भी होता रहे और गलता भी रहे बैंगन। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और कसूरी मेथी से तो बहुत ही आला खुशबू आती है, ठीक है। भिंडियाँ फ्राई होंगी, तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे भिंडी को फ्राई करते जाएंगे, फिर आप प्लेटर में निकालते जाएं। इसको दाल चावल के साथ, सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकती हैं आप, वैसे चपाती के साथ भी खा सकती हैं। बहुत ही मज़े की डिफरेंट ये भिंडी है, फ़ौरन बनने वाली है। गर्ल्स बहुत शौक से खाती हैं इस तरह की भिंडियाँ वगैरह फ्राई, तो इस ये आप लोग के लिए मैंने स्पेशल मज़ेदार कुरकुरी भिंडी की रेसिपी लेके आया हूँ। और भिंडी का भी सीज़न भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। हाँ तो इनमें चमचो हलाया पे था, ऑयल में मसालो ना पियो वने, भिंडी के मथा मसालो चिंबड़ी पियो छण था। पैर विझो चमचो तो फौरन मसालो लहन शुरू थो, 1-2 मिनट छोड़ो तेज़ मीडियम फ्लेम से पचन दियो, ऑयल गरम हुए, भिंडी फ्राई थे पी। हाँ भिंडी जो कलर चेंज थे लगो तो असा कटंदा वेंदासीं। अच्छा, एकड़ी ब्रेक से वनू पे, शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ब्रेक का पची रेसिपी कंटिन्यू कंदी जेस तक मैं सजी भिंडी फ्राई करी कटा तो वांगण तैयार कर दें, ठीक है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक भिंडिया में फ्राई करके निकालूंगे, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी रेसिपी कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नज़ीम, ब्रेक ते का पे सामू जो भिंडियों फ्राई क्यों पे कढ़ी छड़ी अद हाँ बाकी जो भिंडियों में फ्राई कंदी, ठीक है। ऑयल हल्का कर लीजिएगा, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। कुछ जो भिंडियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं और बाकी भिंडियाँ मैं यहाँ पे निकालना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इन तरीके से भिंडियों खड़ी विझो त प्याले जो मसालो जो है उन अंदर ना अचे, भले हिला लें एक दफ़ा और, लेकिन जितना इसको मसाला लगना था वो बेसन के साथ लग गया, बाकी आप हाथ नहीं चलाएगा इसके अंदर। हाथ चलाएंगे तो इससे क्या होगा आपकी भिंडियाँ, अब ये देखें इसके अंदर बेसन बच गया, ये चीज़ मैं चाह रहा था कि ऑयल में न जाए बेसन और थोड़ा मसाला, या भले ज़ाया कर दें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम डालते तो बेसन ऑयल आपका काला हो जाता, ठीक है। हे जो मसालो इनमें बची हो इनके फिटो करी छो, जेतिरो असांखे भिंडियुनि में विझणो मसालो मथां जो कोट थी वियो ज़बरदस्त के समझो, ठीक है। हाँ असां छा कंदासीं, इनके हथ ना लगाए जो, बिल्कुल चमचो ना हलाए जो, हाँ भिंडियों के पचन दियो 2 मिनट का इनके पलटाइंदी। ये ऐसो इनमें भिंडियों में कटियो केडियों ज़बरदस्त हैं, ये देखें कुरकुरी भिंडी इसको कहते हैं, ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग आई हुई है और ये परफेक्ट हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, ठीक है। परफेक्ट भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, कलर इसका ग्रीन भी है और खस्ता भी है, और इस तरह की आपकी भिंडियाँ ये आप बनाएं, कुरकुरी भिंडी इसको कहते हैं। लेमन जूस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बैंगन को चेक करेंगे,
ज़बरदस्त असंजा वांगण इतने तैयार थे। अच्छा, मैं बीच बीच में इसको चम्मच इसलिए चला रहा हूँ ताकि जो बैंगन है वो अच्छे से मिक्स होते जाएँ, नरम होते जाएँ, ये ना हो नीचे के बैंगन गल गए और ऊपर वाले सख्त रह गए। सख्त तो नहीं रहेंगे, मतलब साबित रह गए, साबित होने चाहिए, थोड़े नरम होने चाहिए, लुक भी आए बैंगन का, ये ना हो कि हलवे की तरह भुरता नहीं बनना चाहिए, खड़े खड़े जैसे नरम और ज़बरदस्त फ्लेवर की तरह बैंगन नजर आने चाहिए। ठीक है, अब बैंगन हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, वांगणन में हल्को चमचो लाए जो इलाही तेज़ ना लाए जो नता ख़राब थी इंदा। ठीक है, सावा मिर्च 5 का 6 अदद विझी छड़िया, हरी प्याज मेरे पास 2 खाने के चम्मच हरी प्याज है, 2-3 डंडियां लेके ये आखिर में डालेंगे। हरी प्याज से क्या होता है, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है हरी प्याज का इस तरह की सब्जियों में, तो मैंने इसमें 2 स्टिक हरी प्याज की डाल के काट के डाल दिए। ठीक है, दम पे रखने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 1 खाने का चम्मच भर के, सावा धाणा 1 खाने जो चमचो भरे विझंदासीं हिन जे मथां, हाणे असांजे मथां विझंदासीं लीमे जो रस, लीमे जो रस केतिरो 1 चांहि जो चमचो, 1 चांहि का चम्मच लेमन जूस, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत खट्टा नहीं करना है, जस्ट फ्लेवर, और अगर नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लीमे जो रस ना है पसंद तो हटाई सको तो ना विझो, न तो थोड़ो 1 चांहि जो चमचो विझो। हाँ मैं भिंडियों के पलटाया पे, भिंडियों असाज उतने तैयार थे पे, ज़बरदस्त इनके फौरन चमचो न पे लाया, जो ऑयल में मसालो रहजी वने वरी चवंदम उन मसाले के संभाली रख, सॉरी उन मसाले के थदो करे ऑयल के छाणे वरजो, उन मसाले के फिट तो करी छो छाणी में अची वो ऑयल क्लियर थी, ऑयल तगियाँ भिंडियो फ्राई कर भाजी में कें भी शे में इस्तेमाल कर सको। ठीक है, अब हमारी कुरकुरी भिंडियाँ तैयार हो रही हैं ज़बरदस्त, एक दफ़ा बस पलट दें, बार बार स्पून ना चलाएं। ठीक है, 1/2 किलो करेंगे तो जितना मसाला मैंने बताया उसको डबल कर देंगे, 1/2 किलो, 1.5 पाव भी करेंगे तब भी मसाला डबल कीजिएगा, क्यों फीकापन ना है भिंडियों में, मसाला बेसन ये सब उस हिसाब से डबल करेंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज होगा हरी मिर्चों का, बैंगन हमारे तैयार हो जाएंगे, इसे भी डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे कुरकुरी भिंडियाँ भी हमारे तैयार हो गई हैं और ये रेसिपीज़ आप लोग को मेरे पेज पे भी मिल जाएंगी, और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। कुकिंग विद शेफ़ फैसल मेरा पेज है फेसबुक पे, कुकिंग विद शेफ़ फैसल को सर्च करें और वहाँ उसको लाइक करें, वहाँ पे तमाम रेसिपीज़ मिल जाती हैं। उसी के साथ कनेक्टेड मेरा मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, वो आप ले लें 03140314267531, 03142675311, ये जैस का नंबर है लेकिन है ना उस पर कनेक्टेड है पेज से मेरे व्हाट्सअप पे मेरा, तो आप इसमें मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। ये देखें कुरकुरी भिंडियाँ, आवाज़ भी कड़कड़ आ रही है इसमें से, ये हमारी तैयार हो गई, जलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, काली ना पड़े जल के, ऑयल पे पकड़ के रखें, ऑयल निकल जाए और फिर आप इसको डाल दीजिए, सड़े ना भिंडी, मसालो सड़े कारो ना थिए, कोड़ो ना थिए, इनसे जो भी ख्याल रखो, भिंडियों ताज़ी तैयार थी हुई हूँ, इनके कटंदा वनो। देखें कुरकुरी भिंडी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, थोड़ा सा लेमन जूस आखिर में ऊपर से डालेंगे, अगर पसंद है, नहीं पसंद है तो ना डालें, लीमे जो रस अगर ना ही पसंद तो ना विझो, मैं थोड़ो विझा फिर तरीके से मथा थोड़ो चटपटो थी वो भिंडियों में, अगर ना ही पसंद लीमे जो रस तो ना विझो। ठीक है, ये हमारी हो गई कुरकुरी भिंडी तैयार, थोड़ा हरा धनिया इस पर टॉप कर देते हैं गार्निश। ठीक है, एक रेसिपी सही कंप्लीट थी भाई, सेकेंड रेसिपी भी कर दूँ था, एक रेसिपी तैयार हो गई, इसको उतार देते हैं सामान को और सेकेंड रेसिपी भी हम निकालते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सालन, ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, तमाम बेहतरीन इन तरीके से तुम ठाई दो, हे ऐसो माशाल्लाह केडो सुठो ठहे हुआ, वांगण भी गरी वा, पटाटा भी गरी वा, वांगण साबित भी नजर अचन पे, सफ़ा हलवो ना थे, 2-3 दफ़ा विच में हलाई दो, नरम थी वा वांगण। ठीक है, इनके मिक्स कौ छो कि सावा धाणा साई बसर सावा मिर्च लीमे जो रस विधल है तो वो मिक्स होना। ठीक है, हरा धनिया हरी मिर्च लेमन जूस हरी प्याज डाली हुई तो वो आपने मिक्स कर देना है और फिर हम इसको डिश आउट कर देते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की, इसको आप चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी, आलू बैंगन वाइट राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, और रोटी के साथ खाएं तब भी बहुत मज़े के लगते हैं, जब प्याले में निकालें तो उसको टिश्यू से या कपड़े से खुश करके फिर निकाला करें, पानी नहीं होना चाहिए जिस भी बाउल में आप खाना निकालते हैं। ठीक है, शोरबा नहीं बनेगा, ये कढ़ाई की तरह जैसे मसाला इसका होगा इस तरह होना चाहिए। ठीक है, शोरबे टाइप का मसाला नहीं होना चाहिए पतला, ये 6-8% आराम से खा सकते हैं इस क्वांटिटी में।
ठीक है। इन क्वांटिटी में 6 खां 8 मानू आराम से खाई सकन था। अगर घट करण चाहो तो घट भी ठाई सको था। 1 पाव पटाटा 1 पाव वांगण साई बसर जो मूँ विधी है साई बसर का चादी उनमें खुशबू ढी सुी इंदी है ठीक है। हरी प्याज से जो इसमें फ्लेवर निकल के आता है इसलिए हरी प्याज मैंने इसमें ऐड की थी। तो ये हमारी हो गई दोनों रेसिपीज कंप्लीट। आलू बैंगन ठीक है। भिंडी बाकी तो मेरी मर्जी से वधाई सको तो मैं 1 पाव जो ठाई है रेसिपी तो अध किलो ताई भी करे सको था किलो ताई भी करे सको था तानी मर्जी पे। वो भी कंप्लीट। हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे। आज की मेरी दोनों रेसिपीज हो गई कंप्लीट। ठीक है। आलू वांगण की सब्जी कुरकुरी भिंडी ठीक है। दोनों रेसिपीज कल 9 बजे चलेंगी रिपीट। सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ्स मुझे पेज हो तो रेसिपी अपलोड थी इंदी ठीक है। सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ्स मेरा पेज वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल बनाएंगे बीफ स्पैगेटी सॉरी कीमा स्पैगेटी और उसके साथ हम बनाएंगे वेजिटेबल स्पैगेटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ्स मुझे पेज और रेसिपी अपलोड थी इंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो। पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates.